नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले राज्यों को कांग्रेस के नेता ने ही नसीहत दे डाली। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राज्य को इस कानून के खिलाफ भड़का रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेता सीए विरोधी राज्य को आईना दिखा रहे हैं। कपिल सिब्बल के बाद अब शशि थरूर ने कैसे बताई सीए की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस शासित प्रदेशों में नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने के लिए प्रस्ताव पारित कराए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे लागू नहीं करने की बात कही जा रही है और राहुल गांधी उनका समर्थन करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राहुल गांधी के एजेंडे को खोल कर रख दिया है। पहले कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वाले राज्यों को फटकार लगाई और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने इन्हें आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात सिर्फ राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि नागरिकता देने में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा, ये एक राजनीतिक कदम अधिक है। नागरिकता केंद्र सरकार ही देती है और स्पष्ट है कि कोई राज्य नागरिकता नहीं दे सकता, इसलिए इसे लागू करने या नहीं करने से उनका कोई संबंध नहीं है। राज्य प्रस्ताव पारित कर सकते हैं या अदालत जा सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो कुछ नहीं कर सकते। राज्य सरकारें ये नहीं कह सकती कि वो सीए को लागू नहीं करेंगी, वो ये कह सकती हैं कि वो एनपीआर एनआरसी को लागू नहीं करेंगी, क्योंकि इसमें उनकी अहम भूमिका होगी। बता दें कि थरूर से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि सीए के क्रियान्वयन से कोई राज्य इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि संसद ने इसे पहले ही पारित कर दिया है। उन्होंने कहा था कि राज्यों के लिए इसे लागू नहीं करने की बात करना असंवैधानिक है। कपिल सिब्बल के अलावा कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने भी ऐसा ही बयान दिया था। अब ये जाहिर होता है कि कांग्रेस के भीतर नागरिकता संशोधन कानून को लेकर संशय की स्थिति है। कांग्रेस के नेता ये मानते हैं कि इस कानून के ऊपर राज्यों का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन लोगों को गुमराह करना जारी रखे हुए हैं। कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री बार बार ये बोल रहे हैं कि उनके राज्यों में इसे लागू नहीं किया जाएगा। उनके ऐसे बयानों के बावजूद सोनिया और राहुल गांधी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तो इस अफवाह को और ज्यादा हवा दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बता दिया है कि अब राज्यों को निर्देश दें। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि सोनिया और राहुल इसे समझेंगे, क्योंकि थरूर ने ये कह दिया है कि ये एक राजनीतिक पहल है और जब राजनीति हो रही है तो कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसे लोगों को गुमराही क्यों ना करना पड़े। कपिल सिब्बल के बाद अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ये बता दिया है कि सीए को लेकर राज्य के पास कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी राज्य को समझाने के संकेत दे दिए हैं। अब देखना ये है कि सिब्बल और थरूर के बयानों के बाद भी कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस कानून को लागू नहीं करने की बात करते हैं या फिर इससे तौबा कर लेते हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।